दोस्तों नमस्कार, मैं गिरीश राठौर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों इससे पहले मैंने इंग्लिश के 5 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो मैंने प्रीपोजिशंस का सिलेक्ट किया है, और इसमें से वही क्वेश्चंस मैंने वही टॉपिक रखे हैं, प्रीपोजिशंस में से वही वर्ड्स रखे हैं जो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, जिनकी आने की संभावना होती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं, और इन्हें आप नोट कहीं जरूर कर लें ताकि एग्जाम के समय आपका रिवीजन जरूर हो सके। अगर अभी आपने देख लिया और एग्जाम के समय ये ना देखा, कहीं आपने लिखा नहीं होगा, तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, तो फिर गलती भी हो सकती है, इसलिए आप कहीं नोट जरूर करते जाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब और लाइक कर लें, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज प्रीपोजिशंस में सबसे पहले देखते हैं डाई। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डाई ये एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद कौन कौन सी प्रीपोजिशंस लग सकती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और कौन सी एग्जाम में मोस्टली आती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए डाई के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है, आपको याद हो कि डाई के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन लगती है। तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशन ही लगती है, लेकिन कहीं कहीं पर यदि सेंटेंस कुछ बदल के आया, यदि क्वेश्चन को टफ किया गया, तो ज़रूरी नहीं कि डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशंस ही लगेगी। ठीक है, तो देखिए डाई के बाद ऑफ भी लगती है, डाई के बाद फॉर प्रीपोजिशन भी आती है, डाई के बाद इन प्रीपोजिशंस भी आती है, डाई के बाद फ्रॉम भी आती है, डाई के बाद बाई भी आती है, और डाई के बाद विद भी आती है, जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं की है। तो ज़रा अब इसको डीपली से समझ लेते हैं। डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशन कब लगती है? जब कोई बीमारी से मरता हो, यदि किसी को कोई डिजीज हो, डिजीज से मर जाए, कोई भूख से, हंगर से मर जाए, दुख ग्रीफ से मर जाए, शर्म से मर जाए, यदि बीमारी, भूख, दुख, शर्म से कोई मरता है, तो आप डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। आप इसको नोट जरूर कर लें, ठीक है। अभी इन सभी के एग्जांपल्स में आपको जरूर बताऊंगा ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, डाई के बाद फॉर प्रीपोजिशन कब लगती है? कंट्री, इफ समवन डाइज फॉर कंट्री, यदि कोई देश के लिए मरता है, देन वी शुड ऑलवेज यूज फॉर प्रीपोजिशन आफ्टर डाई। तो डाई के बाद हमें फॉर प्रीपोजिशन भरनी है यदि कोई देश के लिए मरता हो, ठीक है। और डाई के बाद इन का प्रयोग कब करते हैं? यदि यदि कोई मैदान में मर जाए, बिस्तर पर मर जाए, तो डाई के बाद इन का प्रयोग करते हैं। इफ समवन डाइज इन बैटल फील्ड और इन बेड, यदि कोई बिस्तर पर मरता है, तो डाई के बाद इन युद्ध में मरता है, युद्ध के मैदान में मरता है, तो भी डाई के बाद इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड, डाई के बाद बाई का भी प्रयोग होता है यदि कोई हिंसा से मरता है। इफ समवन डाइज इन वायोलेंस, वायोलेंस मीन्स हिंसा होता है, यदि कोई वायोलेंस से मरता है, हिंसा से मरता है, उपद्रव से मरता है, तो डाई के बाद बाई का प्रयोग करते हैं। अब डाई के बाद थ्रू का भी प्रयोग होता है, डाई थ्रू। तो यदि कोई लापरवाही से मरता है, इफ समवन डाइज थ्रू निगलेक्ट, यदि कोई लापरवाही से मरे, तो डाई के बाद थ्रू का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये तो हो गए डाई के बाद जो भी प्रीपोजिशंस हो सकती हैं, डाई के बाद विद का भी प्रयोग होता है, वो अभी मैं बता दूंगा। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट तो डाई के बाद ऑफ है, ठीक है। डाई के बाद ऑफ प्रीपोजिशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डाई के बाद इन और फॉर, ये दो जो, ये तीन हो गई, 1 2 3, ऑफ, फॉर और इन, ये आप तीन को ध्यान में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनसे अलग जाएगा। तो चलिए अब जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डाइड डॉट डॉट हिज कंट्री। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया था डाई के बाद फॉर का प्रयोग करते हैं यदि कोई देश के लिए मरता है, तो यहाँ लिखा ही डाइड, वह मर गया, फिर इधर कंट्री लिखा है। यदि देश आएगा तो आप हमेशा फॉर भरेंगे डाई के बाद में, ठीक है। तो ही डाइड फॉर हिज कंट्री। लेकिन लेकिन यदि कोई कैंसर से मर गया, अब ये देश के लिए तो नहीं मरा, ये कैंसर से मरा है। कैंसर इज अ डिजीज, ये एक बीमारी है, इज अ फैटल डिजीज, ये घातक बीमारी है,
तो घातक बीमारी है या कैसी बीमारी उससे मतलब नहीं। यदि कोई बीमारी है और तो आपको डाइट के बाद में ऑफ भरनी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इस तरह से आ सकता है डाई के बाद ऑफ। लेकिन आपको याद रखना है, यदि कंट्री दिया गया उससे पहले डाई के बाद भरना है तो आपको फौर भरेंगे, कैंसर, कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड, तो आप डाई के बाद ऑफ भरेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये दो बातें तो आपको समझ में आई गई होंगी, कंट्री हो तो फौर और बीमारी है तो ऑफ। अब देखिए ये बैटल ले दिया जाए, बैटल यहाँ पे दिया गया, ही डाइड डॉट डॉट बैटल, बैटल मीन्स था युद्ध, वह मर गया, फिर लिखा युद्ध, तो युद्ध में मर गया, तो मैंने अभी डाइड के बाद में बताया था, तो आपको इन भरना है, कोई बिस्तर में मर जाए तो भी इन, और कोई युद्ध में मर जाए तो भी डाइड के बाद इन भरना है। अब यहाँ वायोलेंस से मर रहा है, वायोलेंस मीन्स हिंसा, यदि कोई हिंसा से मरता है तो आपको बाई भरना, ही डाइड बाई वायोलेंस। ठीक है, तो ये डाइड के जो है यूज हो गए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अड्डाई में आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि सारे याद नहीं रह सकते हैं, तो ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं है, आप शॉर्ट में पढ़िए, डाई के बाद ऑफ, यदि बीमारी आए तो ऑफ, देश के लिए फॉर, और देश के लिए फॉर, और यदि कोई बिस्तर में मर जाए, बैटल में, युद्ध में मर जाए, तो डाई के बाद इन भरते हैं और देश के लिए फौर भरते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एंग्री, अब यूज ऑफ एंग्री, एंग्री मीन्स होता है नाराज होना। ठीक है, अब एंग्री का प्रयोग देखिए, एंग्री विद पर्सन, यदि कोई पर्सन से नाराज हो जाए, अब ऐसे आप समझ लिए, एंग्री लिखा हो डॉट डॉट मी, मिस्टर शर्मा, मिस्टर वर्मा, यू, राधा, सीमा, किसी का नाम लिखा हो तो आपको विद भरना है। और यदि कोई इफ समवन बिकम्स एंग्री एट समथिंग, यदि वो किसी से नाराज हो जाए, किसी बात से नाराज हो जाए, किसी चीज से नाराज हो जाए, तो आप एट भरेंगे, पर्सन के लिए विद भरेंगे। यदि और किसी बात से नाराज है कोई, किसी के व्यवहार से नाराज है, बिहेवियर से नाराज है, तो ऐट भरेंगे। आप इसको रट लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंग्री विद और एंग्री एट। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिए, यदि एंग्री दिया जाए किसी, कोई पर्सन दिया जाए तो विद भरेंगे, और अदरवाइज फिर आप ऐड भर देंगे। अब एग्जांपल देखिए, ही इज एंग्री डॉट डॉट माई प्रपोजल लिखा, ये प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव, वह नाराज काहे से, ही इज एंग्री, वह नाराज है काहे से, प्रस्ताव लिखा, प्रपोजल, तो ये कोई पर्सन तो है नहीं, तो यहाँ एंग्री एट भरा जाएगा। ठीक है, ही इज एंग्री एट माई प्रपोजल। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज एंग्री डॉट डॉट मी, वह नाराज है, एंग्री है, मी माने मुझसे, तो मी मीन्स इट मीन्स पर्सन, तो यहाँ भरेंगे विद भर देंगे, ही इज एंग्री विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट करें, ये एग्जाम में आ सकता है, एब्सटेन, एब्सटेन माने होता है अलग रहना, नोट कर लें, लिख लें, अलग रहना या बचना होता है इसका अर्थ, एब्सटेन, ABSTAN। अब देखिए एब्सटेन के बाद में फ्रॉम भरते हैं, यदि कोई किसी चीज से अलग रहता है। ठीक, एब्सटेन फ्रॉम समथिंग, एब्सटेन के बाद में आपको फ्रॉम ही भरना है। देखिए यू शुड एब्सटेन, सेंटेंस दिया गया, एग्जाम्पल है, यू शुड एब्सटेन, आपको दूर रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, काहे से, वाइन से, तो से की अंग्रेजी दोस्तों वैसे भी फ्रॉम होती है, तो आप फ्रॉम भर देंगे, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, ये मीनिंग याद आनी चाहिए, तो आपकी प्रीपोजिशन सही हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है एग्री, अब मैंने बताया था एंग्री विद, अभी ऊपर बताया था एंग्री मीन्स नाराज होना, तो एंग्री विद कब भरते हैं, जब कोई पर्सन से नाराज होता है और कोई किसी की बात से नाराज हो जाए, कंडक्ट से, बिहेवियर से, प्रपोजल से, गिफ्ट से, तो ऐड भरते हैं। अब सिमिलियरली यहाँ एंग्री तो नहीं, एग्री है, एग्री मीन्स सहमत होना, इसका अर्थ है सहमत होना, यदि कोई किसी पर्सन से सहमत है तो विद भरते हैं उसी तरीके से, और सिर्फ अंतर क्या है, यदि कोई किसी के प्रपोजल से सहमत है, प्रस्ताव से सहमत है, तो एट नहीं, अब यहाँ टू भरेंगे। ठीक है, एग्री विद और एग्री टू, और एग्री ऑन भी भरते हैं, यदि कोई किसी के मैटर से, प्रपोजल से है तो एग्री टू, और किसी कोई किसी के मैटर से, किसी के मामले से, किसी की लड़ाई झगड़े से, किसी के केस से सहमत है, तो एग्री ऑन भरते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एग्री विद
रटे बैठे हैं तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, टफ करने के लिए। हो सकता है ये पर्सन वाला ना दिया जाए, प्रपोजल वाला दे दिया है तो आपको टू भरना होगा, कोई मैटर दे दिया जाए तो आपको ऑन भरना होगा। इसलिए आप इन तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ लें और मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और अभी देखना एक जो पिछले एग्ज़ाम में आया था उसका भी ये क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए जो इससे रिलेटेड हैं। माय बॉस इज एग्री, मेरा बॉस एग्री है। माय एडवाइस, मेरी एडवाइस से है एग्री। अब ये कोई पर्सन तो है नहीं एडवाइस, ये तो एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस है मेरी, मुझसे नहीं मेरी एडवाइस से है। तो यहाँ हम भरेंगे टू भरेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से प्रस्ताव मानिए इसको। हो सकता है यहाँ माई प्रपोजल दे दिया जाए तो आपको टू भरना है। अब यहाँ लिखा ही इज, अब नेक्स्ट में देखिए ही इज एग्री, वह सहमत है, मी मुझसे सहमत। अब ये पर्सन हो गया तो यहाँ पर्सन के लिए विद भर देंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एग्री का। अब कोई मैटर से एग्री होता है तो ऑन भरते हैं। रमेश इज एग्री, रमेश एग्री है काहे से, इस मैटर पर, तो एग्री ऑन दिस मैटर, ठीक है। आप इसको नोट करने के बाद एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज कर लेंगे तो आपका पक्का सही होगा यदि इसमें से। और आपको आप ये मानिए एक नंबर की प्रीपोजिशन आनी है तो ये एक नंबर जो फ्री में मिल रहा है कि ये प्रीपोजिशन तो आनी है तो आप क्यों ना तैयार कर लें। तो प्लीज़ आप विश्वास इतना बनाएं कि जो मैं प्रीपोजिशन बता रहा हूँ वो आप तैयार कर लेंगे तो आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। चलिए बिटवीन और एमंग देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक कई बार और कई सारे एग्जाम्स में आता रहता है बिटवीन और एमंग। बिटवीन और एमंग दोनों का अर्थ होता है इन द मिडिल ऑफ, के बीच में, मध्य में, दोनों का यही अर्थ है। अब देखिए बिटवीन कब यूज़ करते हैं, वी यूज़ बिटवीन व्हेन वी डिवाइडेड टू, वी डिवाइडेड एनीथिंग बिटवीन टू पर्संस। जब हम दो के बीच में कोई चीज़ बांटते हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। टू पर्संस और थिंग, दो वस्तुओं, जब हम किसी चीज़ को दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं में जब बांटते हैं दो के बीच में तो बिटवीन, ठीक है। और एमंग का प्रयोग करते हैं मोर देन टू पर्संस, यदि हम दो से अधिक के मध्य में कुछ करें, अधिक के बीच में कोई चीज़ बांटें तो एमंग। दो के लिए बिटवीन, दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं। अब उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए एग्जाम्पल, सी वाज सिटिंग, वह बैठी है, यह इधर लिखा हर हस्बैंड एंड हर फादर, हस्बैंड और फादर दो दिए गए, हर हस्बैंड उसका पति और उसके पिताजी, और सी वाज सिटिंग वह बैठी है बीच में, तो अब दो के बीच में बैठी है। सी वाज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड फादर, तो यहाँ हर हस्बैंड हर फादर दो दिए गए तो आपको बिटवीन भर देना है, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन, बिटवीन दो के लिए। अब देखिए दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग होता है, मोर देन टू वी यूज प्रीपोजिशन एमंग। डिस्ट्रीब्यूट बांट दीजिए, दिस मैंगो इज शाम को, डॉट डॉट फॉर बॉयज, बॉयज यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लें, फॉर फोर बॉयज कर दिया, ठीक है, फॉर फोर बॉयज। इस आम को बांट दो चार लड़कों में, तो ये मोर देन टू हो गया तो यहाँ हम एमंग भरेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिटवीन और एमंग। अब ये जो सेंटेंस दिया गया है ये मैंने बीच में लिख दिया, ये एग्ज़ाम में आया हुआ था और बहुत ही सरल था। द सोल्जर्स फॉट, आप देख सकते हैं पिछली जो 68,500 का जो रिटन हुआ था आप उसमें देख सकते हैं, ये ऐसे ही बिल्कुल सेंटेंस लिखा था। और मेरी वीडियो को भी देख सकते हैं जो पुरानी वीडियोस हैं, उसमें पूरा हूबहू सेम यही सेंटेंस मैंने दिया था। द सोल्जर्स फॉट डॉट डॉट करेज, सिपाही लड़े करेज, साहस के साथ में सिपाही लड़े, तो साहस के साथ में, तो साथ के लिए दोस्तों विध का प्रयोग होता है, साथ के लिए। द सोल्जर्स फॉट विद करेज, साहस के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी। फ्रॉम बाई, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रॉम बाई इन विद, इसमें से आप विद भरेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब रिस्पॉन्सिबल जो, ये जो रिस्पॉन्सिबल वर्ड है ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार आता रहता है। अभी एक दो साल पहले 2017 में जो यूपी टेट में जो प्रीपोजिशन भरने को आई थी आप उसमें देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल आई थी। अब रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, यदि आपने सिर्फ, आपको ये पता है कि रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर भरते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, वो 2017 का भी गलत हुआ होगा या हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबल के बाद फॉर तो भरते हैं लेकिन समथिंग के लिए,
वेन वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, जब हम किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तभी फॉर भरते हैं। फॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तभी हम फॉर भरेंगे। लेकिन जब हम संबंध के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी व्यक्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देन वी शुड नेवर यूज फॉर प्रीपोजिशन, वी शुड ऑलवेज यूज टू प्रीपोजिशन आफ्टर रिस्पॉन्सिबल। तो हमें रिस्पॉन्सिबल के बाद टू प्रीपोजिशन भरनी होती है। अब देखिए एग्जाम्पल यहां पर दिया गया, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए, काहे के लिए, गॉड ईश्वर के लिए, ईश्वर के प्रति हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब यहाँ पर जो गॉड है ये कुछ समथिंग तो नहीं, ये समवन है, ये कोई चीज तो नहीं है, ये फॉल्ट तो नहीं है, ये पर्सन में काउंट होगा, तो रिस्पॉन्सिबल टू गॉड भरा जाएगा। इसी तरीके से जो 2017 टेट में जो सेंटेंस था उसमें सेंटेंस ये आया था कि मिनिस्टर्स ऑफ आवर स्टेट आर रिस्पॉन्सिबल डॉट डॉट चीफ मिनिस्टर था, डॉट डॉट के बाद इसमें गॉड है, उसमें चीफ मिनिस्टर था, तो रिस्पॉन्सिबल के बाद वहाँ टू भरना था, फॉर बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल टू गॉड भरेंगे। अब देखिए जिसमें फॉर लगेगा वो किस टाइप का सेंटेंस हो सकता है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप उत्तरदायी नहीं है फॉल्ट के लिए। तो यहाँ फॉल्ट जो है ये कोई व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ फॉर भरा जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि रिस्पॉन्सिबल के बाद केवल दो प्रीपोजिशन आपको लगानी है, फॉर और टू। टू कब लगाना है, यदि पर्सन हो तो आपको टू लगाना है, रिस्पॉन्सिबल में टू, कोई पर्सन हो उसके आप टू लगा दीजिए, सही हो जाएगा वो। ठीक है, टू लगा दीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि कोई फॉल्ट है, कोई मिस्टेक है, तो आप फॉर लगा देंगे। बस आपको इतना याद रखना है, आपका ये एक नंबर पक्का हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एग्जाम में इसी तरह की प्रीपोजिशंस आती हैं जिनमें मिस्टेक होने की संभावना होती है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, आपका एक नंबर ये पक्का है। ये मानिए एक नंबर की प्रीपोजिशन तो इंग्लिश में आनी ही आनी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैंने थोड़ा अलग टाइप का सेंटेंस ले लिया है जो कि बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, द पेशेंट हैड डाइड। ये जो सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द पेशेंट हैड डाइड डॉट डॉट द डॉक्टर केम। यहाँ पर हमें बिफोर और आफ्टर भरनी है, बिफोर और आफ्टर में से एक भरनी है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊं कि किस तरह से आप भरेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। यदि हैड पहले दिया जाए, देखिए, और दूसरी क्लॉज में सेकेंड फॉर्म आई हुई है, यदि पहली क्लॉज में हैड दिया जाए, ठीक है, तो ये पहले हैड है तो पहले की अंग्रेजी आपको भर देनी है, बिफोर। ठीक है, यदि हैड पहले आए, दूसरी क्लॉज में सेकंड फॉर्म आए, हैड पहले आए तो पहले की अंग्रेजी आपको भर देनी है, विदाउट एनी डाउट यू हैव टू फिल बिफोर, आपको बिफोर भर देनी है यदि हैड पहले आए। यदि मैं सेंटेंस को उल्टा करूं, हैड बाद में कर दूं, तो आपको बाद की अंग्रेजी आफ्टर भर देनी है, है सरल। देखिए तो यहाँ तो आपका यहाँ क्लियर हो गया, यहाँ बिफोर आपको भरना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द पेशेंट डाइड, देखिए मैंने चेंज किया है, द पेशेंट डाइड, ये सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद में डॉट डॉट द डॉक्टर हैड कम, हैड देखिए बाद में आ गया, हैड बाद में आया तो बाद की अंग्रेजी यहाँ आफ्टर भर देनी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो ये प्रीपोजिशन यहाँ पर, या कह सकते हैं कंजक्शन भी इसको बोल सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आए तो आप ये जो कॉन्सेप्ट है याद रखेंगे, हैड पहले तो बिफोर पहले आएगा, बिफोर ही आएगा पहले क्या, और यदि आफ्टर, यदि सॉरी, यदि हैड बाद में दिया गया तो आफ्टर बाद में आएगा, मतलब आफ्टर आएगा। ठीक है, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी तरीके से वर्ब भी बढ़ने को आ सकती है, अभी वर्ब्स जब हम बढ़ने को बताएंगे तो बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। बहरहाल आगे लास्ट सेंटेंस देखते हैं, अप्लाइज, अप्लाइज मीन्स होता है क्षमा मांगना, क्षमा याचना करना। अप्लाइज इज फॉर समथिंग, यदि किसी रीजन के लिए हम क्षमा मांगते हैं तो फॉर का प्रयोग करते हैं, यदि किसी व्यक्ति से मांगते हैं तो टू भरते हैं। ठीक है, अप्लाइज इज फॉर समथिंग एंड अप्लाइज इज टू फॉर पर्सन, पर्सन के लिए टू, और समथिंग किसी रीजन के लिए, किसी फॉल्ट के लिए, किसी मिस्टेक के लिए, बिहेवियर के लिए, कंडक्ट के लिए, तो हम समथिंग तो फॉर भरेंगे और पर्सन के लिए टू भरेंगे।
एम्प्लॉयज के बाद कोई व्यक्ति आए तो टू लगा देते हैं, लिखा भी एम्प्लॉयज के बाद कोई व्यक्ति आए, नाम दिया जाए तो टू लगा देते हैं और नहीं तो फॉर लगा देते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ एम्प्लॉयज के बाद कोई व्यक्ति आए तो टू लगाते हैं, नहीं तो फॉर लगाते हैं। ये प्रीपोजिशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ शेयर भी कर दें और नेक्स्ट वीडियो के लिए एकदम आप रेडी रहें, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और इसके अलावा भी दूसरा टॉपिक भी मैं आपसे, दूसरा सब्जेक्ट भी मैं आपको उसके भी क्वेश्चंस देने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।